जिंदगी में हमारी जीवन शैली भी परिवर्तित हो गई है। इसके चलते हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, जबकि स्वस्थ शरीर ही हमारे सफल जीवन की कुंजी है। आजकल एक बीमारी तेजी से फैल रही है और वो है गुर्दे की पथरी। तो इसी विषय पर है आज की हमारी बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि पथरी किन किन लोगों को होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और इसका कारण क्या है और लक्षण क्या है? पथरी उन लोगों को होने की ज्यादा संभावना होती है जो बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और मीठा ज्यादा खाते हैं। ज्यादातर सेडेंट्री वर्कर्स को ये ज्यादा पाई जाती है। बच्चों को पथरी ज्यादा होती है क्योंकि वो मीठा बहुत पसंद करते हैं और आजकल के बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, खेलें उनकी खत्म हो चुकी हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए बच्चों में पथरी ज्यादा बढ़ने लग गई है। और वैसे भी जिनको एक बार पथरी हो जाए उनको बार बार पथरी होने की टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि उनकी आदतें जब तक आप नहीं बदलोगे, आयुर्वेद में आहार और विहार दोनों का बहुत महत्व है, अगर आप उनकी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं लाओगे तो पथरी होने के चांसेस कम नहीं होंगे। और नेक्स्ट जो आपने इसका लक्षण पूछे हैं मेरे से, अगर किसी को यूरिन आने में बार बार कंटिन्यूसली पेन होती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है या यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, उसको यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो ये पथरी के मेन सिम्टम्स हैं। किसी को फीवरिश फीलिंग भी हो सकती है, इसमें भूख ना लगना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, या कभी कभी बहुत सीवियर पेन होती है। जब पथरी यूरेटर में फंस जाती है तो पेशेंट को ऐसी बहुत जबरदस्त रीनल कॉलिक होती है जिसमें इंजेक्शन तक लगवाने की नौबत आ जाती है। जी, तो ये सब लक्षण जब नजर आए तो समझ जाए कि पथरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसके होने के कारण क्या है? और बच्चों का तो आपने बता दिया, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खेल कूद बच्चों में अब है नहीं, बाहर ज्यादा उनकी जो दिनचर्या है वो भी ऐसी हो गई है कि स्कूल ट्यूशन और उसके बाद अगर घर में है तो टीवी पर है या मोबाइल पर है। आयुर्वेद के अनुसार ये कितने प्रकार की होती है पथरी? आयुर्वेद के अनुसार पथरी चार प्रकार की मानी गई है, वात, पित्त, कफ और शुक्रजन्य पथरी। वात, पित्त, कफ जो तीन है इनके अलग अलग कारणों से होती है। जैसे वात वाली जो पथरी है, ज्यादातर बहुत ज्यादा जो एग्जर्ट करते हैं, घी बिल्कुल नहीं खाते, आजकल डाइटिंग का ट्रेंड चल रहा है, और बिल्कुल सूखा खाना, बिल्कुल बॉयल्ड खाना ये लेते हैं, तो बॉडी में जितनी स्निग्धता की आवश्यकता है वो भी उनको नहीं मिल पाती, जिससे यूरिन खुलकर नहीं आता है और पथरी होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही जो पित्त अश्मरी है, मतलब जो पित्त से होती है जो पथरी, हिंदी में पथरी को अश्मरी बोलते हैं, जो पित्त से अश्मरी होती है वो गर्म चीजें ज्यादा खाने से होती है, जिससे पित्त बढ़ जाता है और यूरिन कम आने से हमारी उसमें यूरिनरी ब्लैडर में उसके एक्सट्रैक्ट इकट्ठे होने से भी पथरी हो जाती है। ऐसे ही जो कफज अश्मरी है, ये बहुत ज्यादा मीठा खाने से, बैठे रहने से, कोई एक्टिविटी ना करने से, ये मेनली इन कारणों से ज्यादा होती है। और जो लास्ट मैंने बोली है शुक्र अश्मरी, ये सब स्पर्मोलिथ भी बोलते हैं इसको, ज्यादा देर तक अगर स्पर्म्स का एक्सक्रीशन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी एक छोटा सा स्टोन हो जाता है जो टेम्परेरली हिलाने से भी खत्म हो जाती है। जी, मतलब जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, मान लिया कि लक्षण पता चल गए, अब पता चल गया कि पथरी है, तो आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है? आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सी औषधियां बताई गई हैं, फिर भी मैं आपको आसान आसान औषधियां बता रही हूँ। जैसे कि एक पाषाण भेद, शायद सभी ने सुना हो, पत्थर चट जिसको बोलते हैं आम भाषा में, सभी नर्सरीज में ये प्लांट इजीली मिल जाता है। अगर आप पत्थर चट का एक पत्ता भी डेली ले लेते हैं तो पथरी होने की संभावना भी कम है और अगर हो गई है तो वो भी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही गोखरू एक प्लांट है, इसके बीज आप सिंपल शहद के साथ खा लीजिए डेली, तो आपको पथरी जो है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अदरवाइज गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा वटी और पाषाण भेद, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा कारगर साबित होती हैं पथरी में, ये आप ले सकते हैं इसके लिए। और कुछ मैं डाइट तीन चार बताना चाहूंगी, जो पथरी वाले पेशेंट जिनको या तो पथरी है या जिनको टेंडेंसी है पथरी होने की, वो जौ का आटा अपने खाने में ज्यादा यूज करें, जौ का पानी पी सकते हैं, या जो मैंने पाषाण भेद और गोखरू बताए हैं आप इनको उबाल के इनका भी पानी पी सकते हैं सारा दिन, जिनको पथरी है इनका काढ़ा पी सकते हैं आप लोग। ऐसे ही कई और चीजें हैं जिनका क्वाथ आप बना के पिए तो आपको पथरी होने की संभावना कम है। और यूजुअली पानी तो आप ज्यादा पीजिए ही, आजकल के कॉर्पोरेट ऑफिस की लाइफ में पानी नहीं पिया जाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए सारा दिन बैठे रहने से और जंक फूड खाने से ये भी पथरी होने के कारण है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जीवन शैली जो है वो परिवर्तित हो गई है, बहुत ज्यादा बिजी हो गए सब लोग और इसके चलते दिनचर्या भी
व्यवस्थित नहीं है। तो खान पान कैसा हो, अगर किसी को पथरी है तो आयुर्वेद में खान पान कैसा हो, कितने डिस्टेंस से खाएं और क्या क्या खाएं। आयुर्वेद के अनुसार अगर किसी को वातज पथरी है, मेन मेन चीजें बता रही हूँ, वातज पथरी जिनका वेट बहुत कम है, जो बहुत कुछ भी खा लें तो वो मोटे नहीं होते, ज्यादातर वो वात प्रकृति में आते हैं और वो यूजली जो है वो घी बिल्कुल नहीं लेते, तेल बिल्कुल नहीं लेते, स्निग्धता उनकी बॉडी में बिल्कुल वो किसी भी तरह जाने नहीं देते। आजकल का जो डाइटिंग का ट्रेंड है, पूरा स्टीम प्रोडक्ट्स लेना, मतलब जो हाइपर अलर्ट जिनको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा ही अलर्ट है डाइट के प्रति, वो भी गलत है। तो देसी घी भी कुछ हद तक हमें लेना चाहिए, स्पेशली गाय का देसी घी आप ले सकते हो, खाने में तिल का तेल, सरसों का तेल, ये चीजें यूज कर सकते हो। आप रिफाइंड यूज मत कीजिए, वो हेल्दी नहीं है। ऐसे ही जिनको यूरिन नहीं आता पथरी की वजह से, उनको हम स्पेशली बोलते हैं कि आप दाल में घी डाल के लीजिए तो आपको यूरिन खुल के आएगा, जौ का दलिया लीजिए, जौ का आटा लीजिए। और जिनको पित्त प्रकृति है, जिनको गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर ये फेयर कॉम्प्लेक्शन लोग होते हैं जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनको ठंडे पानी में बैठ सकते हैं, उससे भी यूरिन उनको खुल के आएगा। और स्विमिंग कर सकते हैं या बाथ ले सकते हैं बहुत ठंडे पानी से, इससे भी यूरिन खुल के आता है। पेट पे एक ठंडे कपड़े की पट्टी रख सकते हैं। और ऐसे ही तीसरी जो है कफा रश्मि, जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जिनका काम सारा दिन बैठने का है, वो अपनी डाइट्स में क्षार को इंक्लूड करें। क्षार आपकी भाषा में जैसे यवक क्षार है या मीठा सोडा है, वैसे हम पेशेंट्स को यूजली ये मना करते हैं जिनको अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जिनको पथरी है उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि क्षार जो है वो पथरी को तोड़ने में मदद करता है। तो ये एक तरह से एक दवाई है उसके लिए, तो ये वो अपने खाने में यूज कर सकते हैं, इससे उनको फायदा होगा। जी, तो भोज्य पदार्थों में चिकनाई का होना भी जरूरी है, जो कि इन दिनों बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, सही बात कही बिल्कुल, कि डाइटिंग की वजह से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, बल्कि हमारे शरीर को हर चीज की जरूरत है, हर पोषक तत्व की जरूरत है। एक संतुलित आहार पूरे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारे पेरेंट्स लेते थे वो आज भी वो बेस्ट डाइट है। ये जितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, जितनी डाइट्स हैं, वो काफी हद तक कुछ चीजें तो उसमें गलत हैं, जैसे कि ब्राउन ब्रेड है, आपको जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि वो ब्राउन ब्रेड वो सिर्फ उसमें कलर डाला हुआ है या वो व्हीट ब्रेड है, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो ब्राउन ब्रेड कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। इसी तरह कई चीजें हैं, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं लोग, तो ये बहुत हानिकारक है। इसके बजाय अगर आपको यूरिन ज्यादा कम आ रहा है तो आप नेचुरल ड्रिंक लीजिए, आप छाछ ले सकते हैं, आप जीरे का पानी ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते हैं, और कच्ची लस्सी एक जो सरदार लोग पीते हैं गुरुद्वारों में जो बढ़ती है, बहुत ठंडी होती है, वो पी सकते हैं, या जौ का सत्तू ले सकते हैं आप। तो ये गर्मियों की जो ड्रिंक्स हैं, इनसे ये पथरी में कारगर है सारी, क्योंकि इनसे यूरिन खुल के आता है। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। खान पान आपने बता दिया, कितने कितने अंतराल से खाया जाए अगर पथरी है, और ज्यादा तकलीफ है डॉक्टर साहब तो क्या इसकी कुछ जांचें भी हैं आयुर्वेद में? इसके लिए जांच पहले मैं बता दूंगी कि इसके लिए एक्सरे से ही पता लगता है ज्यादातर कि पथरी है इस पेशेंट को और कितना साइज है उसका। 12 mm तक पथरी होती है यूजली, वो दवाइयों से ठीक हो जाती है। उसमें हाँ, उसमें क्या है, अगर वो पथरी जब यूरिन के रास्ते से धीरे धीरे अगर टूट टूट कर निकल रही है तो टेम्परेरली पेशेंट को पेन हो सकती है या ब्लड आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज है तो उसकी आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और दूसरा आपने पूछा मेरे से कि आयुर्वेद में यही पूछा डॉक्टर साहब, जांचें जांचें, हाँ, इसमें एक्सरे से ही पता लगेगा कि ये कैसे इस पथरी हो गई है और इसका साइज क्या है। जी, और दवाइयाँ वगैरह कुछ जो देते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए ज्यादा, जैसे आपने कहा कि ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है और क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो उस टाइम आप अगर बहुत ज्यादा पेशेंट दर्द से तड़फ रहा है तो आप उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। अदरवाइज योगरा और गुगुल अक्सर हम उसकी ट्रीटमेंट के साथ चलाते हैं ताकि उसको ऐसी सीवियर पेन ना हो। एक प्रश्न आपने और पूछा था कि कितनी देर बाद खाना चाहिए पथरी वाले पेशेंट्स को, उसमें ये है, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आपको 3 घंटे से पहले यूजली कोई डाइट नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब आपको भूख लगे तब खाना चाहिए।
आजकल क्या कहते हैं कि बार बार खाना चाहिए, जी मतलब हर एक घंटे बाद, ऐसा नहीं है, ये अध्यसन की कैटेगरी में आता है। अध्यसन यानी अभी पहले खाना पचा नहीं और आपने और डाल दिया, खा लिया। जैसे कोई दाल बन रही है जी। अभी वो आधी उबली है और आपने कच्ची दाल और डाल दी, तो आप सोचो वो क्या बनेगा जी। ना वो पहली बनेगी ठीक और ना जो दूसरी है वो भी ठीक, वही हम अपनी जठराग्नि का हाल कर रहे हैं। जो पहले पच जाए खाना, हाँ। उसलिए आपने इतना अंतराल बताया कि हाँ। इतने देर के बाद। और खाने के पचने के आयुर्वेद में सिम्टम्स दिए हुए हैं कि आपको शुद्ध उद्गार आए, यानी कि दकार आए जिसमें कोई खुशबू कोई टेस्ट ना आए, और आपका विंड पास हो जाए और बिल्कुल आपको लाइट लगे, तब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा खाना पच गया है, अब मैं नेक्स्ट कोई भी डाइट थोड़ी बहुत ले सकता हूँ। जी, खाने की बात हमने कर ली डॉक्टर साहब, पानी की कर ली, फल कौन कौन से खाए जा सकते हैं? तरबूज का फल बहुत अच्छा है इसके लिए, कुछ आहार मैं और बता देती हूँ। जी और खरबूजा अच्छा है, परवल की सब्जी बहुत अच्छी है इसके लिए, मूंग की दाल अच्छी है, खीरा ले सकते हैं आप, गाजर ले सकते हैं, जी और बैंगन गोभी, ये चीजें जिनको यूरिक एसिड स्टोन स्पेशली डायग्नोज हो उनको कम लेना चाहिए। पनीर भी उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम रखनी चाहिए क्योंकि हैवी डाइट है और वात कारक है। कुछ लोग ये बहुत ज्यादा लेते हैं, जो अक्सर कई घरों में तो रूटीन में पनीर खाते हैं, तो जी पथरी वाले पेशेंट्स को ये नहीं लेना चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब, गुर्दे की पथरी इस विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।